वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स पर हैं। ये नाइन्थ की फिजिक्स है और यूनिट नंबर 5। पहले 5 क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं, हम छठे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। और फिर यहाँ पर रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 1 किलोमीटर। यहां से हम अगर इसको 4.87 करें, तो जो कि हमने पॉइंट यहां पर लगाया है, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 दर्जे जो है वो पावर के बन जाएंगे, और किलो जो है वो भी 10^3 होता है। हमारे पास ये 4 और ये 3 अगर हम आपस में प्लस करें, तो ये 10^7 मीटर इसका रेडियस जो है वो आ जाएगा। हमें चूंकि जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो एम के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे, उसी में से हम जी की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, यानी जी आर स्क्वायर ओवर जी। यहां से हमें लिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, तो जो आर स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है और जो जी डिवाइड कर रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये आर स्क्वायर इसको डिवाइड कर देगा, यानी जो जी है वो कुछ यूं बनेगा एम जी ओवर आर स्क्वायर। हमें एम और जी की और आर की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। एम की वैल्यू हम जानते हैं, फिक्स है। इसी तरह से हम R की वैल्यू भी पुट करते हैं, और R के ऊपर स्क्वायर है, ये रही इसकी वैल्यू 4.87 मल्टीप्लाइड बाई 10^7, और इसका स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को और 6.7 को, जो हमारे पास आएगा 40.02। और ये जो पावरें हैं 24 और -11, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 13 बन जाएगी। इसी तरह से हम 4.87 का जो है वो स्क्वायर लेंगे, यानी 4.87 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 23.7169। और ये जो पावर यहां पर 10^7 है, ये भी चूंकि स्क्वायर है, तो ये भी जो है वो दुगनी हो जाएगी। हम अपना अगला काम ये करेंगे कि इस नीचे वाली रकम को ऊपर वाली रकम से डिवाइड करेंगे, यानी 40.02 डिवाइडेड बाय 23.7169। तो डिवाइड करके हमारे पास 1.687। आगे भी ये चल रहा है, लेकिन मैंने 3 दर्जे लिए हैं, तो नीचे पावर जो है वो 10^14 है। तो हमारे पास 10^14 अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में चले जाएगी, लिहाजा ये 10^13 -14 जो है वो बनेगी 1.687 मल्टीप्लाई 10^-1। यानी हम 13 और -14 को हल करेंगे, तो हमारे पास -1 जो है वो आ जाएगा। अगर हमें इसको मजीद हल करना होगा, तो हम 0.168
यानी इस 10 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे नीचे लाके, तो हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। या हम इसको फिर जो है वो 0.17 जो है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो दी गई है, फोर मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, और फाइंड द मास ऑफ अर्थ। और डिस्टेंस जो है वो 10,000 किलोमीटर जो है वो दिया गया है, हम इसको आर के तौर पर लेंगे 10,000 किलोमीटर। अगर हम इस 10,000 को 10^4 करेंगे और के को 10^3 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10^7 मीटर। तो हम अपना फार्मूला जो है वो पुट करते हैं, एम मास ऑफ अर्थ के लिए इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। तो जी की वैल्यू पुट करते हैं 4, और जो आर स्क्वायर है वो है 10^7, 10^7 दो बार हमने इसलिए पुट किया क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। नीचे आपके पास जी की वैल्यू है 6.67 10^-11। हम 6.67 से 4 को डिवाइड करेंगे और बाकी सारी पावरें जो है वो आपस में उनको सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 6.67 ये हमारे पास आएगा 0.599 मल्टीप्लाई 10^7 ऊपर वाली पावर 7 और नीचे वाली 11, ये भी ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। आपके पास 0.599 10^25 जो है वो आएगा। और इसी को अगर हम जो है वो 5.9 यानी जो पॉइंट है एक दर्जा अगर हम राइट को मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी पावर जो है वो 10^24 बन जाएगी। इसी को हम जब यूज करते हैं, जैसे हमने यहां भी यूज किया था 6 × 10^24, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट आंसर के तौर पर 6×10^24 जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एट में एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जी की 1/4 वैल्यू जो है वो दी गई है। सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो हम खुद पुट करने वाले हैं। तो हम कुलिये पर चलते हैं। हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है उसके लिए कुलिया होता है जी आर स्क्वायर ओवर जी। यहां से अगर हमें जो जी की वैल्यू दी हुई है, ये पूछा हुआ है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर एल्टीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ जी जो है वो पूछा है। तो यहां से अगर हम आर स्क्वायर निकालते हैं, तो ये जो जी ओवर जी है ये दूसरी तरफ जाकर उलट जाएगा, यानी ये एम जी ओवर जी आएगा। अगर यही आर स्क्वायर जब हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों दिए होते हैं, तो हमारे पास ये आर प्लस एच का स्क्वायर के तौर पर हम इसको लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो यू होगी। चूंकि हमारे पास जी जो है वो 1/4 दिया हुआ है, लिहाजा हम इसको जी ओवर 4 करेंगे। ये 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा एम जी से, और नीचे जो है वो जी आएगा। अगर यहां पर ये एम जी ओवर जी जो है अगर आप देखें, तो एम जी ओवर जी जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है।
तो हम इसको r स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ये मैंने mg ओवर g को ब्रैकेट में किया और आपको ये बताया कि r स्क्वायर के बराबर है, लिहाजा अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास r प्लस एच इज इक्वल टू r आ जाएगा। और अगर हमें ये जो 4 है ये हमारे पास 4 आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आर आएगा। तो h निकालने के लिए 2 आर, इधर वाला r जो है इधर जाकर माइनस करेगा, तो हमारे पास जो h है वो r के बराबर चला जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर जो हाइट है वो 850 किलोमीटर दी हुई है और फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। सबसे पहले जो हाइट दी हुई है 850 किलोमीटर, हम इसको लिखते हैं जो जमीन का रेडियस है, ये हम खुद से पुट करेंगे। हम r प्लस h जो है वो निकालने जा रहे हैं, यानी 850 प्लस 6400। अगर हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं तो ये इसके बराबर आएगा, और अगर हम इसको 7.25 करते हैं तो हम 1, 2, 3 दर्जे यहां से लेंगे और किलो के भी 3 होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू आएगी 10^6 मीटर। तो हमने चूंकि ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड के लिए कुलिया है आपके पास जी एच इंटू आर प्लस एच, और इसका स्क्वायर रूट। आपके पास जो जी है, जी की वैल्यू है वो हम बारहा दफा निकाल चुके हैं, तो जी की वैल्यू जैसे कि आपने यहां भी देखा था एम जी ओवर आर स्क्वायर, हम इसको पुट करते हैं एम जी ओवर आर स्क्वायर की बजाय हम आर प्लस एच का जो है वो स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस और हाइट जो है वो दोनों मौजूद हैं, इनटू आर प्लस एच और इसका स्क्वायर रूट। ये आर प्लस एच की वैल्यू 1 है, यानी इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है, तो ये 1 जो है यहां नीचे आकर माइनस होगी, और आपके पास जो कुलिया है वो एम जी ओवर आर प्लस एच ही रह जाएगा। स्टूडेंट्स हम इस कुलिये में अपनी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, एम की और जी की वैल्यू जो है वो पुट करने जा रहे हैं हम। 6 × 10^4 × 6.673 × 10^-11 और आर प्लस एच की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी वो ये रही 7.25 × 10^6। ये सारी की सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.673 × 6/7.25, ये हमारे पास आ रहा है 5.522 × 10^24, ये 24 है, ये −11, और ये जो नीचे वाला 6 है ये भी माइनस होगा। 5.522 × 10^11 ये 11 भी और 6 भी, जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। 5.522 × 10^6 × 10
यहां पर हमने 10 रेज पावर 6 इसलिए निकाला क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हाफ करना पड़ता है, इसलिए जो 10 है वो निकाल लिया हमने और इस 10 को हम इस 5.522 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 55.22 आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका। तो हमारे पास 7.431 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, स्क्वायर रूट लेते हुए हम पावर वाली रकम को आधा कर देते हैं, उसकी पावर को आधा कर देते हैं। तो ये जो 7.431 10 रेज टू पावर 3 है ये असल में 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हाइट है वो दी हुई है 42,000 km। हम जानते हैं कि जो रेडियस है वो 6400 km होता है, तो हम यहाँ से R प्लस H जो है वो निकालते हैं, यानी आप उसमें प्लस करते हैं दोनों को। अगर हम यहां से 4.84 यहां पर पॉइंट लगाकर 1, 2, 3, 4 10 रेज टू पावर 4 करते हैं और k के लिए 10 रेज टू पावर 3 करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 4.84 10 रेज टू पावर 7। तो हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए पिछले क्वेश्चन में आपको कुलिया जो है वो समझा दिया गया है, तो अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं एम जी ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। ये गुलिया डिराइव करना भी आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया गया है, तो अब हम डायरेक्ट जो है वो इसको पुट करने जा रहे हैं। वैल्यू पुट करते हैं हम एम की और जी की, इसके बाद हम R प्लस H जो निकाला हुआ है उसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। आगे चलते हैं हम अब करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6.673 डिवाइडेड बाय 4.84 ये हमारे पास आया है 8.273 1405 और ये 24 में से हम 11 को निकालेंगे तो 13 और 13 में से 7 की पावर को निकालेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 6 जो है वो आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6। हमने जो 10 रेज टू पावर 6 जब पावर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो वो 10 रेज टू पावर जो है वो 3 आ जाएगा, तो बाकी रकम का हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेते हैं। ये है जी 2.876 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 जो है वो 1000 है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा।